हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज हम वापस खेलने वाले हैं GTA 5। एंड जैसे कि यार आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हमने एक सेलिब्रिटी की भाई सुपर कार चोरी करी थी, जो कि हमसे माइकल ने चोरी करवाई थी। भाई माइकल ने वो कार देखी एंड उसको भाई वो पसंद आ गई और उसने बोला कि मुझे ये कार चाहिए। और तुम्हें तो मालूम है भाई, इतना तो पैसा है नहीं कि हम यार वो कार बाय कर सकें, इसलिए हमने भाई उसको चोरी कर लिया एंड चोरी करके माइकल को दे दिया है। माइकल भाई उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गया कि भाई पूछो मत। और उसने बोला था कि लास्ट टाइम कि जब तुम्हारा मन करे ना, तुम कार को ले जा सकते हो और चला सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उसकी एक पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे। और अभी अभी भाई लामार की मुझे कॉल आई है, कल ही भाई वो दूसरी सिटी से वापस आया था और आज आते ही भाई उसके पंगे हो चुके हैं और वो बोल रहा है आज उसको बहुत बड़ी डील करने के लिए जाना है। तो किसी बंदे से वो मिलने जा रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो चल के यार लामार से मिलते हैं। लामार आई डोंट नो भाई कौन सी डील के बारे में बात कर रहा था। लामार बोल रहा था कि भाई आज की डील जो है ना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है, तो उसने हमें हमारे पुराने वाले घर पर मिलने के लिए बुलाया है। तो जल्दी से चलते भाई अपने पुराने वाले घर पर। और यार जब से माइकल ने हमें नया घर दिया है ना, हम पुराने वाले घर पर आज पहली बार जा रहे हैं, तो पता नहीं भाई पुराने वाले घर का क्या ही हाल हो रखा होगा, क्योंकि नया वाला घर यार इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता। यार माइकल ने सच्ची में भाई घर देकर हमें बहुत अच्छा करा, क्योंकि पुराना वाला घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था और बहुत ही बेकार सी लोकेशन पर था, लेकिन नया वाले घर की लोकेशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि भाई मैं बता नहीं सकता, वहाँ से पूरा का पूरा लोसन टोस दिखता है। एक काम करते हैं गाइस, चलो जल्दी से मैं उसके पास पहुँच कर बात करता हूँ। ऑलराइट, तो गाइस लामार से मेरी बात हो चुकी है एंड लामार बोल रहा है कि इस मिशन पे जाने से पहले भाई तुम्हें कोई ना कोई तो वेपन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फाइट होने के भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लामार बोल रहा है कि पहले एमोनिशन की शॉप पर चलते हैं। तो चलो फिर चलते हैं। यही भाई पता नहीं कौन सी खटारा सी गाड़ी लामार लेकर आया है। भाई इसके पास सुपर कार है फिर भी ये खटारा सी गाड़ी लेकर घूम रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल भाई चलते हैं। हो सकता है कि लामार आप जानकर भाई अपनी सुपर कार नहीं लेकर आया हो, क्योंकि वहाँ पर फाइट हो सकती है, तो फाइट में तुम्हें पता ही है भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और एमोनिशन की शॉप भाई अपनी पुराने वाले घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो फाइनली हम पहुँच गए और भाई मैं सोच रहा था गाड़ी ना ही ठुके, बट ठुकी गई। जल्दी से अंदर चलते हैं। लामार ने हमसे बोल दिया है कि एक शॉटगन खरीदनी है हमें, तो चलो फिर एक शॉटगन बाय कर लेते हैं। भाई शॉटगन दिखाओ हमें, ये कट्टा वट्टा तो नहीं चाहिए। तो शॉटगन जो कि हमें बाय करनी है, ठीक है इसे मैं बाय कर लेता हूँ। एंड इसके साथ में हमें इसकी बहुत सारी एमओ भी बाय करनी है, तो 300-400 एमओ काफ़ी होंगी मेरे हिसाब से। 312 एमओ मैंने खरीद ली है, मेरे हिसाब से काफ़ी होंगी। और इसके साथ हमें फ्लैश लाइट भी खरीदनी है, तो बस ठीक है फ्लैश लाइट भी खरीद ली। और इसके साथ ये भाई कलर बहुत औसम लग रहा है मुझे, बट भाई इतने पैसे नहीं है, चलो ज़्यादा पैसे नहीं बचे भाई, 980 रुपये सब सारे बचे हैं। जो खरीदना था वो खरीद लिया है। अब चलो फिर यहाँ से चलते हैं भाई वापस। तो जल्दी से यार मैं मिशन की लोकेशन पर चलकर मिलता हूँ। लामार भाई जब भी मिशन लाता है ना, तो इतने ही खतरनाक लाता है जिसमें फाइट होने के पूरे चांस रहते हैं। तो मिशन की लोकेशन पर तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ और तो यहीं पर हमें आना था। और भाई बाहर इतनी तगड़ी बारिश हो रखी है, मौसम ठीक ठाक हो रखा है। तो कहाँ पर चलना है भाई लामार बता। ओके अंदर चलना है, ठीक है तो भाई भाग कर चलते हैं। लामार और भाई ये एक और बंदा है, लामार का ही दोस्त है ये भी। तो हम तीन जने इस मिशन पर आए हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई है भाई, लामार उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और भाई ये तो खतरनाक सा बंदा लग रहा है भाई, इसकी शक्ल देख के ही लग रहा है कि ये भाई पोचा हुआ गुंडा है कोई। और फ्रैंकलिन इसको देखकर भाई पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। आई थिंक हो सकता है कि फ्रैंकलिन इसको भाई जानता हो, पता नहीं भाई क्यों, पर फ्रैंकलिन इसको देखकर ज़्यादा खुश नहीं है। और भाई हो गई दिक्कत, बोला ही था कि यहाँ पर फाइट होने के चांस है, भाई इसने अपने बंदे बुला लिए हैं, इसने हमें धोखा दे दिया है। बेसिकली ये लामार का फ्रेंड था, बट भाई इसने हमें धोखा दे दिया और इसने अपने गुंडे लोग बुला लिए हैं। अब हमारे साथ जो तीसरा बंदा आया था ना, उसने भाई इसको मस्त भाई हेडशॉट दे दिया है, और भाई क्या ही खतरनाक हेडशॉट दिया है। तो चलो फिर चलते हैं भाई, बंदे आ चुके हैं, पहले मैं भी कवर ले लेता हूँ। तो हमारी यह फाइट हो चुकी है और भाई एक बंदा यहाँ पर छिपाया, निकल भाई। ये भाई ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं भाई, इनकी चौड़ा पर निकालते भाई। ओबे कितने बंदे बुला लिए भाई। ठीक है तो भाई यहाँ जितने बंदे आए थे वो तो सब भाई हमने मार डाले। तो यहाँ पर अबे कैसे भाई गोली लगने के बाद भी उठ उठ के खड़े हो रहे हैं भाई बंदे। बंदे हरामी तो हैं भाई, लेकिन भाई हमसे हरामी नहीं है। तीनों बंदे जो बंदों की इनकी धुलाई कर रहे हैं ना भाई, देखने लायक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से और बंदे आ चुके हैं जिनको हम डाउन कर चुके हैं भाई। रीलोड कर लेते हैं, मुझे लग रहा है भाई आगे और भी ज़्यादा बंदे होने वाले हैं। तो चलो फिर आप बाहर चलते हैं। ओ और भी बंदे हैं, और कहाँ पर है भाई, और तो नहीं बचा यहाँ पर कोई भी। ठीक है जल्दी से भाई,
कितने ही बंदे बुला लिए थे यार, इतने कम से कम 20-25 को तो मैं मार चुका हूँ और भाई अभी भी आए ही जा रहे हैं। कौन है भाई इधर, इधर कौन है? पहले एक सेकंड, यहाँ पर भी कोई बैच रहा। तो फाइनली भाई यहाँ से सब बंदों को मैंने हमने मार दिया है और हमारे पीछे भाई पुलिस पड़ चुकी है और भी आ गए बंदे। पर तो कितने बंदे बुला लिए यार, कम से कम 50 बंदों को मार दिया होगा भाई, कितने ही बंदे बुला लिए थे। चलो अब तो कोई नहीं है ना, आई थिंक भाई सारे बंदे हमने मार दिए हैं और भाई हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, तो बस अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जल्दी से भागते हैं भाई, चल भाई जल्दी से फ्रैंकलिन भाग लो भाई अब यहाँ से। अबे भाई रुक जाओ, पुलिस वालों को बताता हूँ भाई। ठीक है भाई, मैंने हेलीकॉप्टर को, अबे भाई कूदना नहीं था। एक और हेलीकॉप्टर आ चुका है, इसको भी भाई डाउन करना पड़ेगा, तब भी हम यहाँ से भाग सकते हैं। अरे भाई आए नहीं वो दोनों, कहाँ पर रह गए भाई? अरे यार आ गए थे बट मैं का ही कूद गया भाई। तो चल भाई लामार चलो जल्दी से, एंड पुलिस से पीछा छुटाने के लिए भाई हमें किसी टनल के अंदर जाना पड़ेगा और टनल भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा मालूम ही है भाई, रेल ट्रैक पर पहुंचना पड़ेगा और रेल ट्रैक से भाई इजीली टनल मिल जाएगी। तो रेल ट्रैक भाई बाजू से ही जा रहा है, यहीं कहीं से ही रेल ट्रैक जा रहा है भाई। बंद करो भाई पुलिस वालों पर, ये भी भाई फुल गोली बरसा रहे हैं लामार, और भाई स्ट्रेच नाम है दूसरे बंदे का, तो वो भी भाई लामार और लामार का फ्रेंड स्ट्रेच, और भाई एक ट्रक वाला जबरदस्ती के भाई हमारे भीतर बांध रहा है गाड़ी। बस रेल ट्रैक मिल जाए भाई, रेल ट्रैक को पकड़ के भाई सीधा ही भागते रहना है। तो गाइस फाइनली पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, तो चलो फिर भाई फ्रैंकलिन के पुराने वाले घर पर भाई मुझे लामार को ड्रॉप कर कराना है। तो भाई गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो रखी थी इसलिए मैंने गाड़ी चेंज कर लिया, और तो भी यार लामार को बस फ्रैंकलिन के पुराने वाले घर पर ड्रॉप करना है। और लामार सच्ची में भाई किसी दिन मरवाएगा मुझे लग रहे ढंग, क्योंकि यार ये जब भी मिशन लाता है ना इतनी खतरनाक मिशन लाता है। तो मस्त भाई फ्रैंकलिन के घर पर पहुंच चुके हैं, एंड यहीं पर मुझे आई थिंक इनको ड्रॉप करना है, तो जाओ भाई तुम अपने मस्त मजे लो। तो लेट गाइस यार मेरी अभी माइकल से बात हुई है, और माइकल ने हमसे बोला है कि यार उसको किसी मार्टिन मद्रासो नाम के आदमी ने धमकी दी है भाई जान से मारने की और उसकी फैमिली को किडनैप करने की भाई। तो माइकल ने बोला है कि जाकर भाई इस मार्टिन मद्रासो नाम के आदमी का पता लगाओ कौन है, बोल रहा है कि भाई इसका काम तमाम करना है। कौन हो गया भाई जो हमें धमकी दे रहा है? लेकिन यार गाइस आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, तो मैं सोच रहा हूं यार आज सो जाते हैं और मार्टिन मद्रासो के बारे में कल जाकर पता करेंगे। तो आज की वीडियो को यार गाइस यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर गाइस आप लोगों को यार आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।